हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा की रसोई। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बैंगन आलू और कद्दू के पकोड़े। तो इस पकोड़े को बनाने के लिए मैंने बैंगन को इस तरह से काट लिया है, कद्दू को भी इस तरह से काट लिया है और आलू को भी ऐसे पतले पतले काट लिया है इस तरह से। सारी चीजों को मैंने पहले से काट के रख लिया था। अब हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन में मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच अदरक का यूज किया है। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसका एक बैटर बना लेंगे। इसका बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी को मैंने धीरे धीरे डाला है और इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। इस तरह से हमें इसे फेंटते रहना है ताकि इसमें कोई गुठली ना पड़ जाए। तो देखिए, बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। बैटर को हमें इस तरह गाढ़ा रखना है। घोल को हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे ना, एक बर्तन में सारी चीजों को डालेंगे और उसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, सारी चीजों में अच्छे से नमक और हल्दी मिक्स हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तेल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए दे दिया है। तेल गर्म हुआ है कि नहीं हम इसे चेक कर लेंगे। तो बैटर में से थोड़ा सा हिस्सा मैंने तेल में डाल के चेक कर लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम आंच को धीमी कर देंगे और सबसे पहले मैंने बैंगन को तला है। तो बैंगन को अब हम इस तरीके से बैटर में डिप कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसे धीरे से तेल में डालेंगे। अब हम थोड़ी देर के बाद इसे पलट देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सोडा का यूज एकदम नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे ना, बैंगन को तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से अब हम आलू को भी तल लेंगे। आलू को भी ऐसे मैंने बैटर में डिप कर लिया है और आलू को भी ऐसे तल लिया है। देखिए, आलू के पकौड़े भी हमारे कितने अच्छे से फूल गए हैं। इसे अब हम धीमी आंच पे अच्छे से पका लेंगे ताकि आलू भी कच्चा ना रहे और अच्छे से पक जाए। और देखिए, इसका भी कलर कितना अच्छा से आ गया है। अब हम क्या करेंगे ना, आलू के पकौड़े को भी तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी तरीके से कद्दू के पकौड़े बना लेंगे। कद्दू को भी मैंने इसी तरह बैटर में डिप करके कद्दू को ऐसे धीरे से तेल में छोड़ दिया है। हमें सारी चीजों को धीमी आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए। देखिए, कद्दू भी हमारा कितने अच्छे से रेडी हो गया है। आप इस बैटर में जो भी आपको पसंद है, आप उन सारी चीजों का पकोड़े बना सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा 3 तरह के पकोड़े हैं वो अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसे घर पे ट्राई करें। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं या फिर जब भी आपको कुछ खाने का मन करे शाम को, तो आप इसे शाम में बना के खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।